अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं मुनीवा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे सबसे पहले टॉप स्टोरीज़। कीमतें कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस आज से नाफिजुल अमल होगा, तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने ये बात कही है और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, वो भी आपको बताते हैं कि पूरे सिंध में बचत बाज़ार लगाए जा रहे हैं। सूबों में हर तहसील हर टाउन में बचत बाज़ार लगाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिससे कीमतें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कीमतें कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस आज से नाफिसुल अमल होगा। ऑर्डिनेंस सिंध काबीना ने मंजूर किया था। ऑर्डिनेंस के तहत मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाई जा रही है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए फूड इंस्पेक्टर की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। फूड इंस्पेक्टर सख्ती से हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद करवाएंगे, ये कहना था तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का। और उन्होंने आज और भी बहुत सारी बातें की हैं 23 मार्च के हवाले से, जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ज़खीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफा जो खोर है उनके खिलाफ फूड इंस्पेक्टर्स को मजिस्ट्रेट के अख्तियार भी दिए जाएंगे और मुनाफाखोरों की दुकान को सील भी किया जाएगा और सामान जब्त भी किया जाएगा। सरकारी नर्क से ज़्यादा पर अशिया फरोख्त करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, ये भी तर्जुमान ने कहा वज़ीर आला सिंध के। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए तो हमने जो मार्केट का सर्वे किया और जो कल भी हम आपको कीमतों की बता रहे थे लिस्ट, तो कराची में फलों की सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कमिश्नर कराची डिवीज़न के फलों की प्राइस लिस्ट और बाज़ार के नरखों में वाज़े फ़र्क देखा जा रहा है। जबकि प्रोग्राम में ये भी आपको बताएंगे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को 1800 cc से ज़ायद की गाड़ियां इस्तेमाल ना करने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आज़म की किफ़ायत शहरी की मुहिम के सिलसिले में ये ख़त भी लिखा गया है और ख़त के मतन के मुताबिक अफसरान SUV और सेडान गाड़ियाँ भी 1800 cc से ज़ायद की इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और कैबिनेट डिवीज़न ने पुलिस, FIA, कस्टम्स और कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान को ये ख़त भेज दिया है। इसके अलावा प्रोग्राम में ये शामिल करेंगे कि कराची में डकैती के दौरान मजम्मत ना करने के बावजूद भी 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। कुरंगी जमान टाउन में ये वाक़या पेश आया है जिसमें डकैती की वारदात के दौरान 4 बच्चों के बाप को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आ गई है। मकतूल 4 बच्चों का बाप था, क्लिफ्टन में पिज़्ज़ा शॉप पर मुलाजमत करता था। मकतूल के अहल खाना के मुताबिक मोहम्मद हसीब अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने के बाद रास्ते में रुका था और कोई चीज़ परचेज कर रहा था, जिसके दौरान मुलजमान ने रकम और मोबाइल छीनने के बाद इसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मोहम्मद हसीब ने बेटी को ट्यूशन छोड़ने से पहले अपनी अहलिया के हमरा ATM मशीन से रकम भी निकलवाई थी। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो एक मुश्तरका कार्रवाई की है और औरंगी टाउन से मंशात फरोशी और गैर कानूनी असले की लेन देन में मुलविस 2 मुलजमान बरकत अली और इस्माइल उर्फ चीना को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्ज़े से मंशात भी बरामद कर ली गई। मुलजमान बरकत अली अपने साथियों के हमरा बारबर शॉप की आड़ में मंशात फरोख्त करता था। इसके अलावा आज प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाएंगे कि थर के सहरा में 300 MW और 1320 MW बिजली के मंसूबों का इफ्तिताह हुआ है और ये इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध के हमरा भी थे। दहाइयों की मेहनत और प्लानिंग और मरबूत हिकमत अमली के बदौलत सहरा सनत में बदल चुका है। थरकुल से 3000 MW बिजली पैदा हो रही है। तालीम, सेहत और रोज़गार में बेहतरी आएगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। थरकुल की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग थर पार कर आकर काम कर रहे हैं। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। अब सबसे पहले जाएंगे अपनी पहली खबर की जानिब। जी, कल भी हमने बात की थी कि प्राइस जो है वो कीमतों की बहुत बढ़ती नज़र आ रही हैं, बचत बाज़ार लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी जो है वो रेट्स जो लिस्ट सरकारी तौर पे इशू की गई थी उसके मुताबिक जो है उस रेट के ऊपर लोगों को अशिया जो है वो नहीं मिल रही हैं। और इस पर हमने जो है एक्सपर्ट से भी बात की थी, कंट्रोलर जो कंज्यूमर एसोसिएशन है उनके नुमाइंदे से भी बात की थी। अभी मुझे ज्वाइन किया है तारिक काज़मी ने, नुमाइंदा है K21 न्यूज़ से, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए, ये क्या है, किस तरह लागू होगा और किस तरीके से ये मैकेनिज्म वर्क करेगा। जी तारिक, हमें बताइएगा कि ये जो एक ऑर्डिनेंस वज़ीर आला ने कहा है सिंध ने के पास हो गया और उसके बाद फ़ौरन ही ऑर्डिनेंस की कॉपी जो है वो गवर्नर सिंध को मौसूल हुई, उन्होंने भी इसको पास कर दिया और ये भी कहा गया कि इसे असेंबली से भी पास करवाया गया है, क्या है ये ऑर्डिनेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं आपको तफसीलात साझा करूँ कि ये हर साल जो है वो रमजान में इस तरह का वाक्य होता है कि जो है वो एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है जिसके अंदर जो है वो ये कहा जाता है कि जो ज़ाहिद मुनाफाखोर है, जो ज़खीरा अंदोज़ है
जो रेड लिस्ट पर अमल नहीं करते उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो वफाक और सूबाई हुकूमत मिल के जो है वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं जो असेंबली के थ्रू जो है वो पास आउट होता है। फिर जो है वो तमाम डेप्टी कमिश्नर्स और जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं जो शहरों के, उनको ये जो ऑर्डिनेंस दिया जाता है जिसके बाद जो है वो कार्रवाई के जो है वो अख्तियारात में जो है वो इजाफा होता चला जाता है। आज जो है वो एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जो वजीर आला सिंह की जानब से जो है वो पास किया गया, फिर उसके बाद जो है वो काबीला की मंजूरी के बाद जो है पास किया गया था, फिर जो है वो गवर्नर सिंह को इस्तार किया गया। गवर्नर सिंह ने जो है फौरी तौर पर जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए उसकी समरी जो है वो फौरी तौर पर जो है पास करके जो है वो ऑर्डिनेंस को नाफिज अमल कर दिया। अच्छा, ये नोटिफिकेशन आज से ही नाफिज अमल हो गया। इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है वो कहा क्या गया कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट की तादाद जो है वो बढ़ाई गई है। मजिस्ट्रेट मीन की जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के बाद जो इख्तियार सबसे ज्यादा होते हैं वो मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। मजिस्ट्रेट जो है वो कार्रवाई का हक महफूज रखता है तमाम चीजों के ऊपर, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर हों, चाहे वो सब्जियों के मार्केट हों, चाहे वो फ्रूट की मार्केट हों, चाहे वो बीफ हो, मटन हो, दालें हो, एक्स्ट्रा दैट, वो सबके ऊपर जो है वो कार्रवाई के। अच्छा, मुझे ये आपने जो मजिस्ट्रेट की बात की, इस ऑर्डिनेंस के तहत मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाई जाएगी, तो वो मजिस्ट्रेट जो होंगे वो कौन होंगे? फूड इंस्पेक्टर्स होंगे या असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे इलाके के? देखिए, मैं आपको इससे कबल भी जो है ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसके अंदर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो है वो इजाफी इख्तियार दिए गए थे इन कार्रवाइयों के ऊपर। कमिश्नर कराची को जो है मेन मजिस्ट्रेट बनाया गया था, जिसकी जो है वो वहाँ पे कंप्लेन सेल बनाया गया था, जिसके अंदर जो है वो रोज की बुनियाद पे जो शहरी जो है वो कंप्लेन कराते थे। उसके बाद वो कंप्लेन वहाँ से फॉरवर्ड होके वो जो असिस्टेंट कमिश्नर थे जिनके पास जो मजिस्ट्रेट का इजाफी चार्ज था ये फॉरवर्ड होती थी असिस्टेंट कमिश्नर के पास, जिसके बाद जो है वो कार्रवाई करते थे और वो जो रिपोर्ट मुरतब की जाती थी या आया वहाँ पे सील की गई है दुकानें, उनको ब्लैकलिस्ट की गई है, उनको फाइन किए गए या गिरफ्तारियां बंद लाई गई, ये तमाम चीजें उस रिपोर्ट में पेश करके वो वहाँ पे जो सर्वाइवलेंस सेल बनाया गया था कमिश्नर कराची ऑफिस में जो पिछले साल बनाया गया था वो इस साल तो गैर फाल है अभी तक। लेकिन जो है वो पिछले साल का मैं आपको बताऊं कि 6000 से ज्यादा जो है वो कार्रवाइयां की गई थी, जिसके अंदर जो उत्ताद थे डिपार्टमेंटल स्टोर थे, जो छोटी बड़ी मार्केट थी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो बाख्तियार बनाया गया था कि जो है आप कार्रवाई करेंगे और रोज की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट मुरतब करके पेश की जाएंगे। अगर मैं आपको जुर्मानों की बात करूं कि पिछले साल कितने जुर्माने किए गए थे, पिछले साल जो है वो 6,30,00,000 रुपए जो जुर्माने किए गए थे तमाम कराची के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो 60 डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर। इस साल भी हमने देखने में आए कार्रवाइयां तो चल रही थी, आयत से चल रही थी, रमजान से कबल भी जो है कार्रवाइयां की जा रही थी, लेकिन कितनी जो है वो हाई फिलिंग थी इन चीजों की, जिसके बाद जो है मुनाफाखोर और जो जखीरा अंदोज थे वो अचानक जो है वो मार्केट के अंदर से जो है वो चीजें गायब करना उन्होंने जब शुरू की, तो उसके बाद जो है वो तमाम इंतजामिया जो है वो हरकत में आई, उसके बाद फिर जो है वो कार्रवाइयां शुरू की। लेकिन कार्रवाइयां भी सिर्फ जो है वो रस्मी तौर पे की गई, सिर्फ प्लैंडीज लगाई गई। मुझे यहाँ ये भी बताइए, कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमने कौकब इकबाल साहब को लिया था और उन्होंने तो बड़े सख्ती से कहा था कि अगर जो कंज्यूमर है, जो लोग अशिया ख़रीद रहे हैं, वो ख़ासतौर पे जो पेरिशेबल गुड है यानी सब्ज़ी और फल वगैरह जो है, उनको उनका बायकॉट करें, इस रेट पे ना लें शुरू के 10 दिनों तक या 7 दिनों तक, तो ऑटोमेटिकली जो ये प्राइजेज़ हैं, ये जो ज़खीरा अंदोज़ हैं, ये प्राइजेस कम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये जो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि जो आज ये ऑर्डिनेंस आया है, इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो फूड इंस्पेक्टर है इनको इजाफी मजिस्ट्रेट के इख्तियार दिए जाएंगे और इनको पाबंद किया गया है इस सिलसिले में कि ये हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद करवाएं, किस तरीके से ये करवा सकेंगे अमल दरामद? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मजिस्ट्रेट के चार्ज जो है वो फूड इंस्पेक्टर्स को नहीं दिए गए, फूड वहां पे मेंशन किया गया है उसके अंदर के फूड इंस्पेक्टर्स की जो है वो तादाद बढ़ाई जाएगी। एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है सेंट फूड अथॉरिटी, उसका काम जो पहले काम था उसका आज जो ऑर्डिनेंस के बाद जो उसका काम जो है वो काफी तब्दील हो गया। उससे कबल ये काम था कि उसका क्वालिटी का जो मयार है चीजों का वो चेक करना था, आया हाइजेनिक माहौल में चीजें प्रोवाइड की जा रही है कंज्यूमर को या नहीं प्रोवाइड की जा रही। अब उसके बाद जो फूड इंस्पेक्टर का काम आ गया, क्योंकि दो फूड इंस्पेक्टर तौर पे जो काम करते हैं, एक महकमा जो है वो फूड अथॉरिटी का एक फूड इंस्पेक्टर होता है, एक आज जिले इंतजामिया का फूड इंस्पेक्टर होता है। अब देखना ये है कि आया कि अख्तियार जिले इंतजामिया, क्योंकि इससे कबल भी जो अख्तियार दिए गए थे वो जिले इंतजामिया के फूड इंस्पेक्टर को दिए गए थे, ना कि जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी के इंस्पेक्टर को दिए गए थे। अगर ये अख्तियार सिंध फूड अथॉरिटी के इंस्पेक्टर को दिए जाते हैं तो वो दोनों चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, दोनों चीजों को देख सकता है कि आया कि इन चीजों की प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में है या नहीं। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताऊं कि बांग्लादेश ये की जाती है कि जो है वो चीजों को जो है बायकॉट कर दी जाए, चीजों को बायकॉट करने का हल नहीं है। आवाम ने चीजें लेनी है और हर सूरत लेनी है। अगर ये चीजें कहा जाती है किसी नुमाइंदे की जानब से या किसी
गवर्नमेंट ऑफिशियल की जानब से कि चीजों का बैकआउट कर दिया जाए, तो ये हुकूमत की और इंतजामिया की नाहली को बताते हैं कि वो इंतजामिया की नाहली के हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रोज की बुनियाद पे जो है कमिश्नर कराची की जानब से जो है वो एक लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, उसके अंदर तमाम चीजें होती हैं, ग्रोसरी चीजें होती हैं, फूड होता है, मटन होता है, बीफ होता है, तमाम चीजें होती है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर बात की जाए तो ऑन ग्राउंड जो है वो मामला उसके बिल्कुल बराबर नजर आता है। लेकिन कल भी कॉकर इकबाल साहब ने कल भी यही बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये काम जो है असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स का है, ये लोग ना आए और ये काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियली प्राइस हाइक जो है वो हमें नजर में आ रही है। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए बिल्कुल यही एक्चुअली इशू यही है कि जो है इंतजामिया जब रोड पे निकलती है असिस्टेंट कमिश्नर अपनी टीम के साथ जब रोड पे निकलता है तो उस टाइम पे तो जो है वो चीजों पे अमल दरामद हो रहा होता है, उस टाइम पे तो रेड लिस्ट फॉरन फॉलो कराई जाती है। क्यों? क्योंकि जो दुकानदार होते हैं, जो लकीरंदोज होते हैं, जो मुनाफाखोर होते हैं, उनको उनको ये डर होता है कि हम पे जो है वो प्लेंटीज लगा दी जाएंगी, हमारी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। मैंने आपको साल के जो है वो एक फैक्ट्री टिकट बताया कि 6 करोड़ से जायद जुर्माने किए गए, जिसके अंदर 6,000 से जायद जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई। ये क्यों अमल में लाई गई? क्योंकि आपके कमिश्नर कराची के ऑफिस की जानेब से आवाम तक, आवाम की जो रसाई है वो कमिश्नर कराची तक आसान कर दी गई थी। वहां पे एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, वहां पे एक वेबसाइट बनाई गई थी। आपके शो में बैठती मैंने बारह ही बात की थी कमिश्नर कराची ने खुद वहां पे ऑन किया था कि चीजें जो है जब आवाम की रसाई जो है वो एक इदारे तक मुमकिन हो जाती है तो लोग जो है वो डरते हैं, जो मुनाफाखोर है, जो जखीरा अंदोज है, जो जायद मुनाफे की चीजें बेचते हैं, वो लोग डरते हैं कि इसकी जो एक आम शख्स की जो रसाई है वो एक कमिश्नर ऑफिस। अच्छा ताई, मुझे ये भी क्विकली इसमें ये बताइएगा कि ये जो ऑर्डिनेंस आज आया है इसके बाद क्या हमें कुछ नजर आएगा कि प्राइस कंट्रोल होंगे कि नहीं? आज देखें कह सकते हैं कि कुछ प्राइवेट कंट्रोल होंगे उसके अंदर जो है ऑर्डिनेंस के अंदर का जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है कि जो सस्ते बाजार भी लगाए जाएंगे। सस्ते बाजार पिछले साल भी लगाए गए थे लेकिन सस्ते बाजार के अंदर जो वो सिर्फ और सिर्फ जो चीजें उन्हीं रेट पे मिल रही थी जो आम मार्केट में मिल रही थी। कुछ चीजों की अशिया की जो कीमतें हैं वो कम थी लेकिन बाकी जो चीजें, अच्छा एक और मैं आपको एक और चीज बताऊँ कि जो सस्ते बाजार है उसके अंदर भी जो है वो रेट लेस फॉलो नहीं की जा रही थी पिछले साल की। हमने अपनी टीम के साथ कमिश्नर कराची को मौके पर जाना, मौके के बाद कमिश्नर कराची खुद विजिट पे हमारे साथ गया, उन्होंने चीजें देखी वहां पे, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की कि जो है वो दुकानदारों का मौके पर ये है और जो है वो जो स्टेक होल्डर है उनका मौके पर ये। जब स्टेक होल्डर से मौके पर जाना कि स्टेक होल्डर ने ये चीज बताई कि कमिश्नर कराची की जाने से जो रेट लिस्ट मुहैया की जाती है वो हमें बगैर मुशावरत के रेट लिस्ट मुहैया की जाती है। जब हमें एक चीज 10,000 रुपए की पड़ रही है तो वो हम एक चीज 5,000 रुपए की कैसे भेज सकते हैं? अच्छा तारीख ये भी बताइएगा इसके साथ साथ जी के 1800 सीसी गाड़ियों के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक बड़ा खत अरसाल कर दिया गया है, ये क्या मामला है? वजीर आजम की किफायत शहरी मुहिम के बाद ये चीज जो सामने आई है। मैं आपको बताऊं कि वजीर आजम की जो किफायत शहरी मुहिम थी पिछले साल से जो है वो जब से गवर्नमेंट टेक ओवर की है वजीर आजम नवाज शरीफ ने उसके बाद से किफायत शहरी मुहिम चल रही थी, उसके बाद जो है वो आज जो है वो एक बाजाबा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी किए गए जिसके अंदर जो है वो तमाम इदारे थे, उसके अंदर जो है वो कस्टम्स भी है, उसके अंदर पुलिस भी है, उसके अंदर FIA भी है, उसके अंदर इंटेलिजेंस भी है, उसके अंदर जो है वो FBI भी है, उसके अंदर एंटी करप्शन भी, तमाम इदारों को जो है वो 1800 सीसी गाड़ी जो है 1800 सीसी गाड़ी जो है वो इस्तेमाल करने के लिए वो हिदायत जारी कर दी गई है। उनका कहना ये है कि जो 1800 सीसी गाड़ी है उनका फ्यूल की वजह से जो है वो ज्यादा जो है खर्चा जो है वो ज्यादा बोझ जो है वो आवाम के बजट पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो बजट के ऊपर जो है वो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क की हालात ऐसे नहीं है कि इस टाइम पे जो है वो इतनी बड़ी गाड़ियों के थ्रू जो है हम कार्रवाइयां कर सके। तो कौन कौन से हुकूमती इदारे हैं जिनको ये तंबीह की गई है कि वो 1800 सीसी से ज्यादा की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए मैं आपको बताऊं, पुलिस का इदारा है, FIA का इदारा है, कस्टम का इदारा है, कस्टम इंटेलिजेंस का इदारा है, FBI का इदारा है, इन तमाम इदारों को जो है वो मरासला भेज दिया गया है कि आप लोग जो है वो गाड़ियां ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके नेमल बदल में जो है वो छोटी गाड़ियां इस्तेमाल होंगी। जी बहुत शुक्रिया तारिक आजमी आपका कि आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। तारिक आजमी हमें बता रहे थे कि अशिया खुर्दनोश की कीमत के लिए जो ऑर्डिनेंस आया है उसके मुताबिक जो आज नाफिसुल अमल होगा उसके बाद जो है शायद वो प्राइसेस में कुछ कमी का सामना हो। ब्रेक पे जाएंगे लेकिन ब्रेक पे से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कराची में डकैती की मुज़म्मत ना करने के बावजूद भी एक शख्स को कत्ल कर दिया गया जो कि 4 बच्चों का बाप था, इसकी क्या तफसीलात है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।